दोस्तों अगर टंकी लगवाने की बात आती है ना, ये रहा आरसीसी वाला टंकी, ठीक है, और ये वाला रहा पीवीसी टंकी, ठीक है। अब पीवीसी टंकी लगवाए या फिर आरसीसी टंकी, अब भैया कौन सा अच्छा होगा? सबसे पहले सुन लो, टंकी लगवाने से पहले ये बनवाया जाता है टंकी, और ये जो टंकी आप वहाँ पे देख रहे हो मेरे पड़ोसी का, ये खरीदा जाता है टंकी, ठीक है। अब बात रही खरीदने की, तो हम वो वाला ले या फिर ये वाला बनवाए, तो कुछ इसका इफेक्ट सुन लो, कुछ अच्छाई इसका कुछ बुराई भी है, बाकी उसका भी कुछ अच्छाई कुछ बुराई है। ये जो टंकी है आपका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए मान लो, ठीक है, ये आपके लाइफ टाइम में अच्छा खासा चल जाएगा। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये आरसीसी वाला टंकी है, वाटर टैंक। उसके बाद इस ये थोड़ा सा कॉस्ट में ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद इस टंकी का और बेनिफिट क्या है कि आपका जो वाटर है वो दोनों मौसम में नॉर्मल वाटर मिल जाएगा, ना ही इसमें गर्मी मिलेगा ना इसमें ठंडा मिलेगा। अब बोले क्यों भाई, इसमें टेम्परेचर उतना नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अंदर का जो वाटर इसका जो स्लैब होता है वो मोटा होता है, जिसकी वजह से इसका पानी गर्म भी नहीं होता है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता ठंडा के टाइम में, इसलिए ये टंकी काफ़ी अच्छा होता है। इसके वजह से इस पर इसका स्टोरेज आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो, जितना मन चाहे उतना ले लो, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा आपको मेंटेनेंस का कोई खास ज़रूरत ध्यान रखना नहीं पड़ता है। उसके बाद हम आते हैं उस टंकी पे, चलिए ये जो टंकी है आपका पीवीसी की टंकी है, ये मेरे पड़ोसी का टंकी, ये पीवीसी की टंकी है, ये प्लास्टिक की टंकी है, ये 3 या 4 लेयर की होती है, मैं मोस्टली ये 4 लेयर की आती है, ये जो ब्लैक टंकी देख रहे हो। ये इस टंकी का जो मेंटेनेंस है वो आपको क्या है कि कुछ टाइम बाद ये ख़राब भी हो जाते हैं, धूप में रखोगे तो पानी भी गर्म हो जाएगा, ठंडा के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इसमें ठंडा हो जाएगा पानी, ये चीज़ें हैं। इसका स्टोरेज लिमिट में आता है और ये परकेप्टा के हिसाब से डिज़ाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन इस टंकी को परकेप्टा के हिसाब से अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि 150 लीटर एक लोग यूज़ करता है पर डे 150 लीटर परकेप्टा यूज़ होता है, ठीक है, तो हमारे इंजीनियरिंग में क्या कहा जाता है कि 150 लीटर एक आदमी यूज कर लेता है, पानी खाना बनाने से लेकर नहाने धोने तक टोटल 150 लीटर यूज़ कर लेता है। तो आप 150 लीटर के हिसाब से जितना लोग है उतना हिसाब से अपने आप इसको बना सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि आपको 2-3 टंकी बैठाना पड़ जाएगा अगर ज़्यादा लोग है तो मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा लोग है या फिर आप भाड़ा दे रहे हो, घर कमर्शियल है, तब जाके आप कंक्रीट टंकी की तरफ जाओ। इसमें कुछ नहीं है, आरसीसी का सब कुछ खड़ा कर दो, पूरा दीवार वगैरह स्टोरेज बना के और ऊपर से स्लैब बना दो टेपर टाइप में, बस यहाँ से पानी ड्रॉप कर जाएगा। इसको प्लास्टर करवा दो, प्लास्टर करवाने के बाद यहाँ पे पुट्टी और प्लास्टिक पेंट लगवा दो, हो गए। ये 10 साल तक आराम से प्लास्टिक पेंट चल जाएंगे, जब हट जाए तो फिर से इसको प्लास्टिक पेंट लगवा दो, चलते रहे, बस इतना ही है और इसमें कुछ नहीं है। तो इसका इनलेट और आउटलेट दिखा रहे हैं, देखो ये रहा इसका इनलेट जो ऊपर से पानी जाएगा, और नीचे रहा ये आउटलेट जो यहाँ से पानी पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। बाकी इसका जो है फोर्स ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स आपका जो है ज़्यादा मिलेगा, जितना ऊंचा पे रखोगे उतना ज़्यादा, ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी जानकारी इससे रिलेटेड आपको क्या चाहिए कमेंट करके बताना, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। और हाँ भैया बता देना कि कौन सा टंकी आपको लगवाना है, वो वाला देख लो ब्लैक वाला मेरे पड़ोसी का जैसा, वो वाला या फिर ये वाला, कौन सा आप लोगों को अच्छा लगा कमेंट करके बताना।